हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप जीमेल आईडी अपना भूल जाते हैं या फिर अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उसका पता कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पास्ट में आपने कभी भी अपना जीमेल आईडी बनाया रहेगा और बाई चांस आप वो गलती से भूल गए हैं, वो आपको अगर याद नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो जीमेल आईडी कौन सा था? लेकिन वो जीमेल आईडी बनाते टाइम में आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, अगर वो मोबाइल नंबर अभी भी आपके पास चालू है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी वो जीमेल आईडी कौन सी थी, या फिर उस मोबाइल नंबर के थ्रू आपने कौन कौन से जीमेल आईडी बनाए थे, वो सब चीज़ आपको आज क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमेशा नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेने का है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको इस सर्च बार में लिखने का है जीमेल लॉगिन। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको जो सेकंड वाला लिंक है उस पर क्लिक करने का है। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर आपको अपना मेल आईडी याद नहीं है तो आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना है, फॉरगेट मेल। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी आपसे पूछा जा रहा है कि फ़ोन नंबर क्या है या फिर मेल आईडी क्या है। आपको तो मेल आईडी याद नहीं है तो फिर आपको अपना फ़ोन नंबर देने का है जो आपने पहले वाले मेल आईडी बनाते टाइम में अपडेट किया था। तो फिर मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। अभी ये न्यू पेज ओपन हो चुका है। न्यू पेज में पूछा जा रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। मेल आईडी बनाते टाइम में आपने जो नेम लिखा था वही नेम यहाँ पे लिखना है। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे वेरिफिकेशन कोड मांगा जा रहा है, तो वेरिफिकेशन कोड के लिए आपको सेंड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड बटन पर क्लिक करेंगे ये आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा जो 6 डिजिट का रहेगा। फिर आपको आए हुए मैसेज को यहाँ पर लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने उस मोबाइल नंबर से जितने भी मेल आईडी बनाया था वो सब दिखेगा। फिर आपको इसमें से वो चूज़ करना है जो मेल आईडी आप भूल गए थे। जैसे मैं चूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपना मेल आईडी फॉरगेट जो हुआ था वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, अभी मैं और एक मेथड बता रहा हूँ। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो कैसे आप अपना पासवर्ड को पा सकते हैं, इसके लिए आपको पहले फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप इसमें साइन इन करने का कोड ट्राई कर रहे हैं, तो आप कीजिए हाँ यस। फिर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर इसमें आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसमें बना देना है, जैसे मैं बना के बता देता हूँ आपको। फिर आपको सेव पासवर्ड पर क्लिक कर देने का है। देखिए, आपका पासवर्ड सक्सेसफुली रिसेट हो चुका है। अब आप दोबारा से जाके उसमें लॉगिन कर सकते हैं अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालकर। सो फ्रेंड, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। बाय बाय।